प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल जमायत नर्सरी मज़मून उर्दू। और आज हमने कॉपी का जो सफ़ा 46 है उस पर से ळ की लिखाई करनी है। बच्चों अपनी उर्दू की कॉपी निकालिए और उसका सफ़ा 46 खोलिए। सफ़ा 46 से आज हमने ळ की लिखाई करनी है। लिखने से पहले हम निशान लगाएंगे और उसके बाद हम लिखाई शुरू करेंगे। ळ की जो लिखाई है वो भी र की तरह ही है और इसके ऊपर होती है एक टोपी। अब आप मेरे हाथ को देखें। सबसे पहले हमने ऊपर वाले हिस्से को देखना है, उसे बिल्कुल सीधा लेकर आना है और लाइन करीब आते ही हमने नीचे की तरफ चले जाना है और इसके ऊपर अब हमने लगानी है टोपी और वो हम थोड़े फासले पे लगाएंगे। इसको हमने इसके नीचे वाले हिस्से के साथ जोड़ना नहीं है। दोबारा देखें, सीधा और जैसे ही लाइन करीब आएगी हमने नीचे चले जाना है। लाइन पर ही हमने रुकना है, लाइन से हमने नीचे नहीं जाना। और ळ की हमने लगानी है टोपी। सीधा लाइन करीब आएगी नीचे की तरफ, लाइन पर रुक जाना है और ऊपर हमने फासले पे, बहुत फासला ज़्यादा नहीं रखना, थोड़े फासले पे ही इसके ऊपर लगानी है टोपी। दोबारा देखें, सीधा और नीचे और इसके ऊपर हम एक लगाएंगे ळ की टोपी। हम लिखाई कर रहे हैं ळ की। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी कि आपने इसको किस तरह से लिखना है। सीधा आना है और लाइन जैसी करीब आएगी आपने नीचे चले जाना है और इसकी जो हम ऊपर टोपी लगा रहे हैं वो आपने उसको ऊपर वाले हिस्से के साथ जोड़ना नहीं है। और एक चीज़ और कि आपने बहुत ऊपर से भी नीचे नहीं जाना होता, जैसी लाइन करीब आती है तब आपने नीचे की तरफ चले जाना है और लाइन पर ही रुकना है। इस तरह से हम ळ की लिखाई करेंगे। सीधा लाइन करीब आई नीचे और ऊपर हम लगाएंगे टोपी। इस तरह से हम ळ की लिखाई हमने पूरे इस सफ़ा 46 पे करनी है। सीधा लाइन करीब आए नीचे और ऊपर लगानी है टोपी। और अब हम तस्वीर वाले हिस्से पे जाएंगे और यहाँ पे जो तस्वीर बनी हुई है वो है पहाड़, ळ से पहाड़। और यहाँ पे भी हम आवाज़ लिखेंगे ळ और इसके बाद हमने इस तस्वीर के अंदर रंग करने हैं। इस तरह से आपने इस तस्वीर के अंदर रंग कर लेने हैं। ये पहाड़ों की तस्वीर बनी हुई है इसलिए यहाँ पे मैंने ब्राउन या भूरा रंग इस्तेमाल किया है, ठीक है। और इनके पीछे ये सूरज है जिसमें येलो या पीला रंग किया गया है और ऊपर से थोड़ा सा हिस्सा मैंने छोड़ दिया है जो कि सफ़ेद हिस्सा है, ठीक है। तो आपने इस तस्वीर के अंदर इस तरह से रंग कर लेने हैं। ये आपका आज का काम है। उम्मीद है आप इस काम को बहुत अच्छे से और नीट करेंगे।